रोहतक में किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध, हरियाणा कांग्रेस का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होगा। जिला स्तर पर कांग्रेस पार्टी विरोध दर्ज कराएगी। उपायुक्तों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहने वाला है आज। किसानों पर हुए लाठीचार्ज से जुड़ा ये पूरा मामला। रोहतक में किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। उपायुक्तों को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। और इस पर मेरे साथ पंचकुला से साक्षी जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता, उनका रुख करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है हरियाणा कांग्रेस की, साक्षी, आज? जी बिल्कुल, आपको बता दें अंजलि की जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर हम शुरुआत से ही जो कांग्रेस है वो बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश में लगी हुई है और लगातार चाहे बड़े लीडर्स भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे विवेक बंसल हो जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी हैं, कुमारी शैलजा हो, वो कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब रोहतक में जो किसानों के साथ लाठीचार्ज हुआ उसके विरोध में आज रोष प्रदर्शन पूरे हरियाणा में जो कांग्रेस है वो व्यक्त कर रही है और हर जिले में, जिले स्तर पर जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं या जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो अपनी मुस्तैदी दर्ज करवाएंगे और जिला उपायुक्तों को राज्यपाल के लिए ज्ञापन सौंपा जाएगा। बता दें आपको कि लगातार जो कांग्रेस है वो खुद को किसानों की हितैषी बता रही है और लगातार जो किसानों के और किसानी से जुड़े मुद्दे हैं उन्हें अपना मोहरा बनाकर सरकार तक जो आवाज है वो पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब इसी कड़ी में ये प्रदर्शन भी है जो पूरे प्रदेश में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ उसकी लगातार ही कांग्रेस निंदा कर रही है कि किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हालांकि इसकी दूसरी साइड में कई सारे जो वीडियोज हैं उस रोहतक के प्रदर्शन के जो सामने आए उन वीडियोज में कुछ वीडियोज में किसान भी खुद उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि फिलहाल ये पूरा जांच का विषय है। अगर बीजेपी के नेताओं से बात की जाती है तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि ये पूरा जो विषय है जांच का विषय है कि पुलिस की तरफ से पहले लाठीचार्ज किया गया या किसान पहले उग्र हुए, ये तमाम जांच का विषय है। लेकिन इस पूरे मामले के बीच ही अब कांग्रेस आज इस पूरे दिन को रोष दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मना रही है और हर जिले में डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो जिला उपायुक्त है उन्हें ज्ञापन सौंपा जाएगा ताकि इस विषय की जल्द से जल्द जांच की जाए और जल्द से जल्द जो कृषि कानूनों को लेकर किसान अब भी लामबंद है पिछले कई महीनों से, एक बीच का रास्ता निकाला जाए, कोई हल निकाला जाए और किसानों पर इस तरह से जो कि खेती करता है। चलिए ठीक, आपका बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए साक्षी।